भर्ती परीक्षा को लेकर जरूरी निर्देश जारी किए जा रहे हैं। शासन के स्तर से, प्रशासनिक स्तर से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा होनी है, किस तरह से तैयारियां हैं, किस तरह से आगरा में उसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। हमारे सब राय जी हैं, उनसे जानते हैं सर, पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर किस तरह की पूरी तैयारी की गई है, जिस तरह की बोर्ड की ओर से निर्देश है, गाइडलाइंस है, वो कैसे डिप्लॉय किया जा रहा है। देखिए, कल दिनांक 23 अगस्त 2024 से 5 दिवस की दोनों पारियों में होने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा कल से आरंभ हो रही है और गत 1 महीने से लगातार भर्ती बोर्ड के निर्देशन में जो तमाम गाइडलाइंस थी, जो तमाम उसके प्रोटोकॉल्स, रूल्स एंड लोन्स हैं, जो आगरा शहर में DCP हेडक्वार्टर भर्ती के नोडल हैं, उनके निर्देशन में पूरे जो 27 सेंटर्स हैं इन पे ये पूरा एग्जाम होना है। दोनों पालियों में 540 लोगों की, पुलिस वालों की तैनाती इन सेंटर्स पे है। इसके अलावा एग्जाम के समय में और एग्जाम से पहले किसी भी प्रकार का लीक या इंपर्सोनेशन की घटना से डील करने के लिए सभी जो लोकल SHOs ACPs हैं उनको ब्रीफ कर दिया गया है। कल जो 10 से 12 और 3 से 5 एग्जाम की अवधि होगी, इसमें भी यदि कोई सूचना मिलती है तत्काल हमारे थाने की फोर्स उसको अटेंड करके उस पर मुकदमा लिख के या जो भी विधिक कार्रवाई है वो तत्काल करेगी। जो पूरा भर्ती बोर्ड का पूरा प्रारूप एग्जाम कराने का है, चाहे वो केंद्र पुलिस प्रभारी अधिकारी हो या केंद्र व्यवस्थापक हो या स्टैटिक मजिस्ट्रेट हो या चेकिंग टेस्टिंग वाला फोर्स हमारा हो, सभी को अपना अपना रोल जो है वो ब्रीफ कर दिया गया है। कल सकुशल पूरे परीक्षा को पारदर्शी माहौल में और श्रद्धापूर्ण माहौल में हमारी पूरी कमिटमेंट रहेगी कि इसको संपन्न करें। जैसे भर्ती की परीक्षाओं को लेकर कई बार चैलेंजेस देखे गए हैं, कुछ प्रकरण सामने भी आए थे, उनको लेकर किस तरह से निगरानी रहेगी? देखिए, जितने भी ऐसे लूपहोल्स हो सकते हैं उसको भर्ती बोर्ड के निर्देशन में फिल करने का काम किया गया है। जैसे एक बड़े बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है इसमें, जो क्वेश्चन पेपर होता है उसकी कस्टडी, तो भर्ती बोर्ड ने बड़ा अच्छे प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश करके ये इंश्योर किया है कि जो ये हमारा प्रश्न पत्र है उसकी कस्टडी कहीं भी भंग ना हो और वो परीक्षा केंद्र पे एकदम समय से बहुत पहले ना पहुंच जाए, एकदम सही समय में ही पहुंचे और हमेशा जो है वो कैमरे की कस्टडी में ही रहे, राइट फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग रूम टू जो कैंडिडेट के पास पहुंचने तक, कहीं भी उसके साथ छेड़छाड़ न की जा सके। ऐसे ही जो भी एस्पिरेंट हैं वो सही व्यक्ति ही परीक्षा दे, इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रॉपर बहुत सारी चीजें रखी गई हैं उसमें। आधार इनेबल्ड, उनका बच्चों का आधार इनेबल्ड एडमिट कार्ड है जिसके माध्यम से उनको चेकिंग करके भेजा जाएगा। जिनके पास आधार नहीं है ऐसे बच्चों को EKYC की जाएगी। बड़ी अच्छी और बहुत विस्तृत गाइडलाइंस बनी है। इस पूरे प्रोसेस से को सरकमवेंट कर पाना बड़ा मुश्किल काम है और उसके बाद हमारी पूरी फोर्स भी वहां पे रहेगी जिसको हमने प्रॉपरली ब्रीफ किया है, जो सुनिश्चित कराएगी कि जो एग्जामिनेशन प्रोसेस की स्वच्छता है उसके साथ कोई भी किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो। DCPCD सूरत जी, उन्होंने पूरी विस्तार से पुलिस भर्ती परीक्षा जो होने वाली है उसको जानकारी दी है और कड़ी निगरानी के बीच, कड़ी सतर्कता के बीच इस परीक्षा को शांतिपूर्ण और सरलतापूर्वक संपन्न कराया जाएगा। लक्ष्मी समय आगरा।